हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम एम क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज जी पी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक एविडेंस दिया इन द फेवर ऑफ वेव नेचर, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया 1928 में। इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया और उस सेटअप के थ्रू एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया। तो उसको हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने एक फॉइल ली एंड ये कैथोड, यहाँ पे इन्होंने एक प्लेट रखी स्लिट की तरह जो एक्ट कर रही है एनोड, और यहाँ पे एक और प्लेट इन्होंने लगाई और यहाँ पे इन्होंने रख दी है गोल्ड फॉइल इस पोजीशन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे एक फोटोग्राफी प्लेट लगा दी। इसको हम बोलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। ये जो है वो कहलाएगी गोल्ड फॉइल, ये जो एक्ट कर रहा है मेटल ब्लॉक स्लेट कैथोड, और यहाँ पे हमने फोटोग्राफी फिल्म ली है, एक फिलामेंट की तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैक्यूम पंप हमने लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से इसका सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा डायग्राम। और फोटोग्राफी प्लेट के बाद यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा, और वो जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं साथ साथ। कोसेंट्रिक, सबका सेंटर सेम रहेगा, और जो पैटर्न है वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, वेव फॉर्म के अंदर। अब इसको समझते हैं कैसे ये काम करेगा। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट आउट होंगे कैथोड से, और वो एक्सेलेरेट करेंगे विद अ पोटेंशियल और मूव करेंगे इस प्लेट की तरफ, ठीक है। जब वो एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो हाई टेंशन बैटरी रेंज के साथ होगा, और वो पोटेंशियल रहेगा 10,000 से 50,000 वोल्ट के बीच में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करेंगे, और जब ये इसके पास फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो स्कैटर्ड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, और एक फोटोग्राफी फिल्म के अंदर से पास हो रहे हैं। ये फिल्म उन्हें क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, और जब ये रिसीव कर रही है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमें एक डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे जो हमें इमेज मिली है वो कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के अंदर मिली है, और सेंटर के अंदर हमें ये एक स्पॉट मिला है। तो ये जो पैटर्न है वो एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न की तरह ही है, जो पाउडर क्रिस्टल मेथड के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर वेव नेचर को कन्फर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वही हमने यहाँ पे किया है। एक बार दोबारा देखो, सिंपल सा है, एक फिलामेंट हमने लिया है, ठीक है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे तो कैथोड एब्जॉर्ब करेंगे, फिर स्लिट से पास होंगे, और फिर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर हम उन्हें फॉल कराएंगे। जब फॉल करा रहे हैं तो वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, और फोटोग्राफी फिल्म जो है, प्लेट जो है, उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये एक पैटर्न मिल रहा है जो वेव पैटर्न है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो मेटेलिक फिल्म है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल रेंडमली फॉर्म होंगे, तो वो रेंडम ओरिएंटेशन की वजह से नंबर ऑफ माइक्रो क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सेट कर दी क्रिस्टल प्लेन के ऊपर, इस तरीके से उसको सेट किया है ताकि सभी एंगल के ऊपर वो क्या करे, उसको एब्जॉर्व कर ले। अब वो जब सब एंगल के ऊपर उसे एब्जॉर्व कर रही है, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दीज रिफ्लेक्टेड रेस, और वो पैटर्न फॉर्म होने के बाद भी क्रिस्टल की जो ओरिएंटेशन है वो रेंडमली है प्लेन के ऊपर, हर डायरेक्शन से उन्हें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और इसकी वजह से वो क्या करेगी, एक एंगल बनाएगी, इस तरीके की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखो, ये एक इंसिडेंट रे ली हमने, ठीक है, और ये स्कैटर्ड हो रही है इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ये इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, कुछ इधर जा रही है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, एंगल जो फॉर्म होगा वो थीटा होगा, और ये एंगल जब हम देखेंगे तो वो क्या होगा, इसके ऊपर 2 थीटा। ये सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो ब्रैग रिलेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उससे हम वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। इसे हम नोट कर लेंगे, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय कैथोड एक्सेलेरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं कैथोड से वो एक्सेलेरेट करेंगे पोटेंशियल के साथ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई बाय हाई टेंशन बैटरी रेंज फ्रॉम 10,000 to 50,000। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो हाई टेंशन बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं जिसकी रेंज 10,000 से 50,000 वोल्ट के बीच में है, एंड द एक्सेलेरेटेड फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड टू फॉल ऑन थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड। और उसके बाद जो फाइन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करेंगे। आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्म इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय द फोटोग्राफी प्लेट, यहाँ से रिसीव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, फोटोग्राफी प्लेट के बाद पास, और यहाँ जब वो पास गए इसके तो हमने ऑब्जर्व किया इट फाउंड दैट डिफ्रेक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोसेंट्रिक रिंग्स, कि यहाँ पे जो पैटर्न आया है उसके अंदर कोसेंट्रिक रिंग्स हमें मिल रही हैं और ये रिंग की फॉर्मेशन जो है वो वेव नेचर को बता रही है। अब हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे रिंग की रेडियाई की हेल्प से, तो शुरू करते हैं। तो देखो इसके लिए हम एक पैटर्न बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है ठीक है, और ये जो है वो एक स्क्रीन की तरह है, ये गोल्ड प्लेट है और ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ से स्कैटर्ड होंगे इस तरीके से, तो ये एंगल बनाएगी थीटा, तो गोल्ड से फोटोग्राफी का डिस्टेंस जो है वो हमने क्या ले लिया डी, और यहाँ पे कोसेंट्रिक बन रहे हैं तो यहाँ इसकी जो रेडियाई है वो कंसिडर कर लिया हमने आर, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पे हम टेंजेंट देखेंगे, एंगल निकाल रहे हैं टेन थीटा, तो टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आर और बेस क्या है हमारे पास डी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर अपॉन डी। तो थीटा टेन थीटा जो है वो किसके अप्रॉक्स होगा, स्मॉल एंगल थीटा के अप्रॉक्स, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई आर अपॉन डी, ये वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिफ्रेक्शन के अंदर थीटा को मेजर करने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ब्रैग इक्वेशन क्या होती है 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, ये इक्वेशन हमने यूज़ की, साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन क्या आ जाएगा 2d, डी जो है वो पता है हमें उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें वेवलेंथ का पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्डर हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डी ब्रोगली वेव जो है वो ड्यूल नेचर की होगी ठीक है, और जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है वेव पैटर्न। थॉमसन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट ऑप्टेन किया जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कन्फर्म किया था वेव नेचर ऑफ मैटर। आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।